लगवाया, मैंने स्नूकर टेबल का भी नया कपड़ा लगवाया। तो अब गाइस मैंने और उसके साथ साथ क्या करा है, मैंने गाइस उसके साथ साथ मैंने टेबल की लाइट बदली है। जो लैंप आते थे मैंने लैंप हटा के एलईडी लाइट लगाई है। एक टेबल पे मेरे एलईडी लाइट थी तो वो थोड़ी कम थी और मैंने वो भी बदल दी। अब सारे तीनों टेबलों की लाइटें, और मैंने पूल में भी एलईडी लाइट लगाई है गाइस। हाँ, पूल में भी एलईडी लाइट लगाई है मैंने। तो गाइस अब मेरे सारे टेबल कहते हैं कि एक बराबर लाइट हो गई है और बिल्कुल अच्छी फील है। तो गाइस ये मैंने वीडियो इसीलिए बनाई है कि आप लोगों को पता लगे कि कौन सी लाइट लो कौन सी नहीं लो। तो गाइस ये भी मैं आपको बताऊंगा ये कितने वाट की है और ये अच्छी या वो अच्छी जो उनके साथ मिलती है आजकल। अब लगता है मेरे को इसका ज़माना है क्योंकि ये लाइट अच्छे कम वाट में होगी अकॉर्डिंग टू जो वो लाइटें मिलती हैं उसके हिसाब से। तो गाइस आओ देखें लाइट। तो गाइस वहाँ ऊपर मेरा क्लब है, ठीक है। ये हमारे पास टायर पड़ा था विद अलॉय, तो ये मैंने इसलिए लगाया कि नज़र पट्टू का काम भी करेगा और अच्छा भी लग रहा है, पहचानी हो जाती है थोड़ी कि जिस घर में टायर लगा वहाँ आ जाओ। ये है सर मेरी एकेडमी, सारे देख लो। अब यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं। ये मेरी अम्मा गाइस, तो मैं आज आपको लाइटें दिखाऊंगा अपनी। ये गाइस मेरे सेंटर की लाइट है। खतरनाक क्वालिटी के साथ, खतरनाक फील। दूसरे टेबल पे भी यही, इवन नाइन बॉल तक मैंने ये इवन चॉप्ट रखा होगा। जैसे कि देख सकते हो गाइस बहुत अच्छी लाइट गाइस, इस लाइट का जमाना है। ये लाइट चाहिए इनको भी चाहिए। मेरे पास लैंप भी बड़े हैं, ये बड़े नीचे लैंप, ये लैंप तीन लैंप है पुल के। इधर मेरे पास नुक्कर के नीचे, मेरे पास नुक्कर के लैंप बड़े हैं। तो इधर लैंप नहीं था, इधर शर्ट थी मेरे पास दूसरी एलईडी वाली। तो गाइस वो शेड 250 वाट की थी। 250 वाट मतलब एक टेबल 250 वाट, दूसरा टेबल 250 वाट। तो ये हमें पड़ जाती है नाना करते भी तो 500 वाट। ये गाइस ये दो लाइटें ऑलमोस्ट 140 के आसपास की, 140 वाट की, 140 140 ऑलमोस्ट लगा लो, चलो 300 लगा लो तभी गाइस बहुत बच जाता है। 150 वाट अभी उतना भी नहीं हुआ है, 140 280 वाट की ये दो टेबलों की लाइटें हैं मेरी स्नूकर की, और कोई फ़र्क नहीं गाइस। तो गाइस होता क्या है, हमने बिजली का बिल भी जाना है, जो काम कर रहा है इस लाइन में उसको ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो बिजली का बिल भी बचाए, क्योंकि देना तो आप ही नहीं है। तो गाइस ये उसके लिए मैंने तैयार करवाई थी लाइटें, तो आप देख सकते हो जैसे कि कोई फ़र्क नहीं है लाइट में, खतरनाक लाइटें। ये 9 बॉल में भी LED लाइटें। तो गाइस ये है कमाल, ये आने वाले गाइस ट्रेंडिंग होगी। मेरे को इस पे मैंने इस पे खर्चे हैं गाइस एक लाइट पे 12,000 से 12,000 24,000 मतलब ला लो तुम 3 या 4 साल के लिए छुट्टी होगी लाइट की। बल्ब में ना गाइस मैंने वो कपड़ा लगवाया, बल्ब में लैंप में वो वाली फील नहीं आ रही थी कपड़े की, वो चमक नहीं आ रही थी कपड़े की, क्योंकि मेरे इस टेबल पे LED लाइट थी। तो फिर मैंने सोचा LED ही करेंगे, थोड़ा सा चेंज होता है अच्छा होता है, और उसके बाद फील भी अच्छी मिलती है। जब टेबल अच्छे हैं तो क्यों ना आपकी लाइट भी अच्छी हो, बॉल और अच्छी चपकी है। तो गाइस ये उसके लिए मैंने लगाई थी। तो गाइस आई होप अगर आपको चाहिए गाइस तो आप मेरे को ऑर्डर कर सकते हैं, मैं भी दे दूँगा। नहीं तो अगर आप मेरे से दूर हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी लाइट है
कहाँ से मिलेगी, आप ऑर्डर कर सकते हो, फ्रेम भी ऑर्डर कर सकते हो। तो गाइस जैसे भी आपको ठीक लगे, अगर आपको अपनी लाइट ठीक लगती है तो अपनी लाइट से काम करो, कोई बात नहीं। मैं तो आपको वैसे बता रहा था कि चेंज ये है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शेयर सब्सक्राइब। आपको और सी नई तकनीक, नई चीज़ें, थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट सब बताता रहूँगा मैं आपको। तो गाइस आज की ये थी न्यू LED लाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you.